आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आज के इस नए थीम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके लिए काफ़ी प्रीमियम सा थीम लेके आया हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो अपने मी यू आई 12 के डिवाइसेज के ऊपर, और ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल से कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग से चेंज देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो कलर हैं यूज किए गए, जो मल्टी कलर आइकन पैक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके UI को। साथ ही साथ यहाँ पे आप नीचे की ओर नेवबार देख सकते हो, इसका लुक बिल्कुल ही जो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी के ऊपर इसके आइकन पैक है जो अप्लाई हो जाते हैं, तो सारे एक डिजाइन और एक शेप में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल सा है जो लुक यहाँ पे लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्लॉक देखोगे कि इसका जो क्लॉक है, इसके साथ आपको म्यूजिक प्लेयर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वेडर भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलता है। आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर हम रिसेंट पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लीनर, सिक्योरिटी और फाइंड ऐप वगैरह के जो कलर हैं वो चेंज हो चुके हैं, यानी यहाँ पे आपको फॉन्ट का कलर चेंज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऊपर का जो स्प्लिट स्क्रीन लिखा गया है इसका भी कलर है जो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आते थे कुछ इस तरीके से आपको ओपन और क्लोज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो क्लीन ऑल का बटन है ये भी है जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे इसके जो वॉल्यूम पैनल है इसका भी कलर चेंज हो चुका है, और लेआउट में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट और चेंज देखने को मिल जाता है। इसके अगर बैटरी बार की बात करें यहाँ पे नेटवर्क का, तो ये भी आपको बदला हुआ दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सेटिंग के अंदर आते ही आपका माइंड बिल्कुल ही रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेटिंग का UI बदल दिया गया है, और हर एक सेटिंग के साथ आपको नए नए आइकन यूज किए गए हैं जो कि इस फ़ोन के लुक को काफ़ी ज़्यादा दमदार बना देते हैं। और वहीं पर अगर हम अबाउट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MIUI 12 की जगह पे आपको देखने को मिलता है लाइन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो स्टोरेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लोटिंग दिखाई दे रहा है वाटर के रूप में, इसका भी कलर है जो चेंज हो चुका है, तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो लगता है कलर चेंज होने की वजह से, और यहाँ पे जो चेंजिंग की गई है हर एक ऑप्शन के साथ, सेटिंग के साथ, उसकी वजह से। अगर हम स्क्रीन लॉक पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑन ऑफ करने का जो बटन है ये भी चेंज हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा सा जो फील देता है जो आइकन के साथ इसमें बदलाव देखने को मिलता है। आगे आते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर, जिसे ऑन करते ही आपको MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर मिलेगा जो कि यहाँ पे फुल्ली चेंज हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से UI के साथ आपको देखने को मिलता है बदलाव। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपको सेटिंग और एक यहाँ पे ग्लोबल का आइकन देखने को मिलता है, जिस पर टैप करते ही आप है जो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाओगे एडिट के मेनू पे, और ग्लोब के ऊपर टैप करते आप सेटिंग के अंदर है जो इन कर जाओगे। और यहाँ पर हम एडिशनल के अंदर आके फुल डिस्प्ले पे जाके हम अगर जेस्चर को इनेबल कर देते हैं तो आप देख पाए कि इसका जो जेस्चर का कलर है वो आपको ब्लैक देखने को ही मिलता है, जैसा कि था सेम वैसा ही आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिलता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल से लुक आपको देखने को मिलेगा इसके म्यूजिक प्लेयर का। हम बैक करके स्वाइप अप कुछ करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलता है, जिसका जो भी एल्बम आर्ट होगा वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, बाकी इक्वाइजर और यहाँ पर लिरिक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ साथ बाकी अगर जो डिटेल्स है और आप इसे फेवरेट भी सेट कर सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन से आपको म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि भाई आपके फ़ोन के लुक को बिल्कुल ही यूनिक बनाता है। और अगर आप MIUI 12 के UI से थोड़ा सा बोर हो गए हो या काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हो और आप चाहते हो रिफ्रेश होना, तो ये थीम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को रिफ्रेश करेगा। डाउनलोड करने के लिए बस सिंपली आपको अपने थीम स्टोर पर आना है और सर्च करना है प्रोजेक्ट एक्स लाइन UI, और इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आपको डायरेक्ट टैप करके अपने थीम स्टोर को ओपन कर लेना है। और ये इंडियन थीम स्टोर के लिए 100% अवेलेबल है, लेकिन ग्लोबल और चाइना पे आपको शायद ही ये देखने को मिलेगा, तो आप पहले ये चेक कर लेना कि आपको ये अवेलेबल है या फिर नहीं। और इसका जो साइजिंग है वो आपको देखने को मिलता है 58.6 MB का, जो ये थोड़ा लार्ज है क्योंकि भाई कस्टमाइजेशन भी काफ़ी कमाल के यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आई होप सो गाइस कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थीम पसंद आया होगा, एक लाइक करिएगा, और इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए इन फ्यूचर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।